एक सेकेंड, बाकियों को भी आ जाने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग तरीश, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। बाकी कौन कौन रह गया अभी? ओके ओके ओके। टेस्ट का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था मेरे को, काफी कॉपी तो काफी अच्छी है, कुछ बच्चों की कॉपी काफी अच्छी है। एवरीवन इज डूइंग फाइन। ठीक है, सर रिजल्ट कब डिक्लेयर? हाँ अभी मिल जाएगी, सैटरडे को रिजल्ट मिलेगा, सैटरडे संडे। ओके, आई थिंक एवरीवन इज हियर, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विथ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे, काफी जो बच्चे हैं उनको ये डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है सर, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर ये स्ट्रोंग है या वीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि हमने करोजन के टाइम पे, मैं पूछ रहा था तुमसे सिल्वर का करोजन Ag+2HS गिव्स अस Ag2S+H। एजी ठीक है, तो मैं बोल रहा था इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, ये इनकरेक्ट है। तो आज मैं सिखाऊंगा कि क्यों, कैसे पता चला कि ये इनकरेक्ट है या फिर इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो कैसे हमने, अब एक इसी के साथ में मैंने एक और एग्जांपल दिया था उस टाइम पर कि Cu+ZnSO4। सम ऑफ यू ओके सैड सर Cu SO4 बनेगा प्लस Zn बनेगा, और सम ऑफ यू सैड नो रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये किसके केस में था, ये सारे के किसके केस में हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं उस टाइम पे बोल रहा था, मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन है ये राइट है और ये जो रिएक्शन है ये रॉन्ग है। ठीक है, मैं बता रहा था ना, मैंने ये भी बोला था कि ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, आज इसका रीजन जानेंगे हम। क्या जानेंगे? रीजन जानेंगे, और कैसे तुम डिटरमाइन कर पाओगे एग्जाम में कि किस किसको कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन वीक है कौन स्ट्रोंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द रिएक्टिविटी सीरीज। आज तो जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए मैं जिंगल लेके आया हूं, ताकि तुम सबको इजीली याद रहे कि कैसे, विच वन इज स्ट्रोंगर एलिमेंट, विच वन इज लेस रिएक्टिव या लेस स्ट्रोंग। तो सबसे पहला जो मेटल है दैट इज पोटेशियम। ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, करीना ने कार मांगी ओल्टो जेन फरारी। ठीक है, इसके बाद यहां पर, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी फिर भी है क्यू मिली 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 का जगह Hg मरकरी सिल्वर ओडी प्यारी। तो ये हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, तो तुम ध्यान से देख पाओगे हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन है, सोडियम, आफ्टर सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम, और साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाओ। ठीक है, ये हमारा एल्यूमिनियम,
जिंक, आयरन, ये हमारे पास क्या क्या, लेड, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉपर, मरकरी, एंड दिस वन इज सिल्वर, और ये हमारे पास क्या है, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU, ठीक है। अब मैंने इसके लिए जिंगल क्या बताई थी तुमको, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, यहां पर क्या आ जाएगा, फिर भी है, क्यू को हम लिख सकते हैं या तो सी यू या फिर इसको के यू क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। जोन सा तुमको सही लगे उस तरीके से तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहां पर क्या गया, मिली, मिली को हमने लिख दिया मरकरी, सिल्वर तो एज इट इज, और ओडी, और राइम बनाने के लिए प्यारी, ठीक है। दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि जितना हम ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ, एलिमेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है। सर प्लीज वेट, आई वांट टू नोट, ओके आयुष नोट डाउन, ठीक है। इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज, ओके एक बार लिख लो, सब तुम सब भी लिख लो एक बार इसको, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर 10th एंड NTSC लेवल, ठीक है। इससे तुम मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस डील कर सकते हो, ठीक है। पहले बस को नोट डाउन करो, फिर मेरे को बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन, आयुष सर डन, ओके। जिसने नोट डाउन नहीं हुआ एक बार कर ले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सीरीज हम बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो जो एलिमेंट ऊपर होगा तो वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है उनके कंपाउंड से। जैसे यहां पर तुम नोट डाउन करोगे, वी हैव जिंक इज ओवर कॉपर, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यस और नो। तो तुम ध्यान से देखोगे पीछे लास्ट रिएक्शन में हमारे पास, हाँ, इस रिएक्शन में तुम नोट डाउन करोगे हमारे पास क्या रही है, क्या कॉपर जो वीक है, क्योंकि वो तो नीचे है, नीचे वाला कभी भी अपने उसे ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, विच मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और कॉपर इज लेस रिएक्टिव। Got it? तो अब जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा, कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। वहीं पर ऊपर वाले में देखोगे sir, तो तुम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज से एनालाइज कर सकते हो कि हाइड्रोजन और सिल्वर में मोर रिएक्टिव कौन है,
ऊपर कौन है, सिल्वर है या हाइड्रोजन? सर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर तुम इजीली देख पा रहे हो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा, सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमने वहां पे क्या नोट डाउन किया था, सिल्वर ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। जब मैं करोजन पढ़ा रहा था तो मैं क्या बोल रहा था, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है या फिर इनकरेक्ट है। यस, अब समझ में आया कैसे? एक सेकंड, मेरे को एक बार स्क्रीन चेंज करने दो। ठीक है, thanks.